वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट. वी आर डूइंग द स्टोरी स्वरन द स्टोरी टेलर. और इसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे स्टोरी के. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है हम सेटिंग करते हैं, सेटिंग के ऊपर हम बातें करते हैं, थीम के ऊपर बात करते हैं, प्लॉट के ऊपर बात करते हैं, हम इसके टाइटल के ऊपर बात करते हैं, नरेशन नरेटिव स्टाइल के ऊपर बात करते हैं और हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एनालिसिस. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ 40 टू 50 वर्ड्स ऑल्सो. और जब 40 टू 50 वर्ड्स आता है तो अगर आप थोड़ा सा ये उसमें ऐड करते हैं अपने आंसर में तो जो आपका आंसर जो है थोड़ा मैच्योर दिखता है और अच्छा लगता है. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज द सेटिंग? सेटिंग क्या है? बीइंग अ सुपरवाइजर महिंदा हैड ट्रांसफर्ड जॉब एंड ही लिव्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइस. हमने देखा कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो महिंदा और ईश्वरन को लेकर है. ईश्वरन घर में रहता है और महिंदा जो है उसके साथ समय बिताता है और महिंदा फैक्ट्री में रहता है. बट महिंदा के बारे में इतनी बातें नहीं है जब वो फैक्ट्री में रहता है, बट उसकी और ईश्वरन के बारे में ही ज्यादातर बातें हैं. तो बीइंग अ सुपरवाइजर महिंदा हैड ट्रांसफर्ड जॉब एंड ही लिव्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइस. तो वो फैक्ट्री प्रीमाइस में ही रहते हैं. द प्रेजेंट रेसिडेंस वॉज ऑल्सो इन अ फैक्ट्री एरिया. और अभी जो वो रह रहा है जो सेटिंग है वो एक फैक्ट्री एरिया की है और उसका जो शेल्टर है वो जिंक शीट शेल्टर है. इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टोरी थ्रू ईश्वरन. और ये कैसे क्लियर है? क्योंकि ईश्वरन ने खुद कहा है, यू नो सर दिस इज द एंटायर फैक्ट्री एरिया. मतलब वो सेटिंग जो है फैक्ट्री एरिया की है. वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वॉन्स अ बरियल ग्राउंड. तो जब उसने ये बताया था इसका मतलब ये फैक्ट्री एरिया है. सी उसका ये घर है जिंक शीट शेल्टर. उसका घर है कि नहीं पर तुम मैं बता रही हूं ऐसा होता है जिंक शीट शेल्टर. अब हम कैरेक्टराइजेशन देखते हैं. सबसे पहले ईश्वरन. ईश्वरन जिसके नाम पर टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो ये प्रोटेगोनिस्ट है. प्रोटेगोनिस्ट मतलब हीरो ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट अ बॉन्डिंग बिटवीन द मास्टर एंड हिज कुक महिंद्रा एज वेल एज ईश्वरन. मास्टर कौन है यहाँ? महिंद्रा. और कुक कौन है? ईश्वरन. ईश्वरन महिंद्रा'स कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेयरएवर ही वाज पोस्टेड. तो जो महिंद्रा है उसके साथ वो कुक हमेशा उसके साथ रहता था, उसको फॉलो करता था. जहां भी उसको जाना, जहां भी उसकी पोस्टिंग होती थी वो बिना किसी कंप्लेन के वहां जाता था. He was not only a very well trained and wonderful cook, but also a good storyteller. तो वो जो ईश्वरन था वो नहीं काफी अच्छा ट्रेंड और वंडरफुल कुक था पर एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी था. ईश्वरन had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. और उसमें एक बहुत amazing capacity थी कि वो vegetables produce करता था और जो cooking ingredients है वो कहीं से भी वो लेकर आ जाता था. मतलब इसकी पोस्टिंग हर जगह होती थी, फैक्ट्री एरिया में होती थी, शहर से दूर होता था, लेकिन वो सब कुछ वो मैनेज कर लेता था और बहुत ही अच्छा खाना बनाता था. इन द मिडिल ऑफ ए डिजोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. अगर उसकी पोस्टिंग एक ऐसे खाली जगह पर भी होती थी, डिजोलेट लैंडस्केप जहां आसपास कुछ नहीं था, माइल्स कुछ नहीं था, माइल्स अराउंड कोई दुकानें भी नहीं थी, तो भी ईश्वरन क्या करता था? वेजिटेबल्स ले आता था, वो इंग्रेडिएंट्स ले आता था डिशेस बनाने के लिए. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made up with fresh vegetable within an hour. और एक घंटे के अंदर वो पता नहीं कैसे इतना उम्दा खाना बनाता था. मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स. एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स वो उससे वो खाना बनाता था. He was fond of reading thrillers. उसकी सबसे अच्छी हॉबी क्या थी? उसको बहुत पसंद क्या था? वो थ्रिलर्स रीड करना पसंद करता था. एंड हिज नरेशंस वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दोज स्टाइल्स. और वो जो जब थ्रिलिंग स्टोरीज वो पढ़ता था और फिर जब वो अपनी कहानी बनाता था तो वो उसी स्टाइल में वो कहानी सुनाता भी था. When he is alone, he cleaned the shed, washed the clothes, and had a leisurely bath. जब वो अकेला रहता था तो क्या करता था? शेड साफ करता था, क्लोथ्स धोता था,
and had a leisurely bath. बड़े आराम से वो नहाता था, pouring several buckets of water over his head. अपने सिर पर कई बाल्टी पानी डालकर, muttering a prayer all the while. और हर समय वो एक प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था. After eating, he would read for a while before dozing off. और जब वो लंच हो जाता था तो उसके बाद सोने के पहले वो कुछ न कुछ पढ़ता जरूर था. पढ़ता क्या था? वो तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता था. He could cook interesting stories out of simple incident. उसकी खासियत थी छोटी सी छोटी घटना से भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वो कुक कर सकता था, मतलब बना सकता था. कुकिंग मतलब बना सकता था. He added horror, adventure and suspense to his story. और उसकी कहानियों में सब कुछ होता था. हॉरर, डर होता था, एडवेंचर होता था एंड सस्पेंस होता था. महिंद्रा मतलब सोचते ही रह जाता था अब क्या होगा, और वो कहानी कहता रहता था. टू मेक देम एंगेजिंग, और महिंद्रा एकदम एंगेज हो जाता था, वो उसकी कहानी सुनता ही रहता था. मेनी टाइम्स ही लेट द स्टोरी एट अ क्रूशियल पॉइंट. बहुत बार ऐसा होता था कि क्रूशियल पॉइंट में जब महिंद्रा सुन रहे वो कहानी रोक देता था. एंड टोल्ड अबाउट इट ओनली व्हेन आस्क्ड, और तभी कहता था जब महिंद्रा उसके बारे में पूछता था. हिज नरेशन स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल थ्रिलर्स, क्योंकि वो तमिल स्टोरीज पढ़ता था और वो इतना इन्फ्लुएंस था तमिल स्टोरीज से कि वो उन थ्रिलर्स को उसी तरीके से वो अपनी कहानी भी सुनाता था. हिज जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस व्हाइल टेलिंग अ स्टोरी कुड कन्विंस एनीवन, और उसकी जो भाव भंगिमा थी, जेस्चर्स और उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो इतने कन्विंसिंग थे, इतने विश्वास दिलाने वाले थे कि हर कोई विश्वास करता था कि हाँ ऐसा जरूर हुआ होगा. ईश्वर जब इतने कन्विंसिंगली वे में कह रहा है. He chatted with his master till late night, और वो बहुत रात देर रात तक वो अपने मास्टर के साथ बातें करता था. He has a habit of exaggerating every little thing, हर छोटी से छोटी चीज को वो बड़ा करके बताता था. According to him, an encounter with a tusker happened when he was a junior class student. आपको पता है वो एलिफेंट के साथ उसका एनकाउंटर कब हुआ था? उसने बताया था जब वो जूनियर क्लास का स्टूडेंट था, तब उसने एलिफेंट को केन से डराया, मारा उसके टो में और वो कोलैप्स्ड हो गया था. His narration of the presence of ghost in vicinity was terrible. और जिस तरह से उसने वो घोस्ट वुमेन के बारे में बताया उस एरिया में, वो भी बड़ा भयानक था. एंड मेड महिंद्रा टू लीव द प्लेस सून, और वो महिंद्रा इतना डर गया था कि उसने वो जगह ही छोड़ दी थी. नाउ ईश्वरन के बारे में आपको पता चल गया, अब हम महिंद्रा की तरफ आते हैं. महिंद्रा वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स, पता है महिंद्रा कंस्ट्रक्शन फॉर्म से सुपरवाइजर का काम करता था. हिज वर्क इंक्लूडेड सुपरवाइजिंग प्रोजेक्ट साइट्स, तो जितने भी प्रोजेक्ट के साइट्स होते थे उसको वो सुपरवाइज करता था. He had to travel place to place as company sent him to keep an eye on the activities of the projects like dams, bridges, roads and buildings, and so he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. तो क्या होता था कि वो जगह जगह घूमता था, क्योंकि जो कंपनी उसको हर एक एक्टिविटी, जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी एक्टिविटीज पे उसको ध्यान रखना होता था. तो इसीलिए कभी जहाँ कहीं डैम बन रहे होते थे, ब्रिजेस बन रहे होते थे, रोड्स बन रहे होते थे और बिल्डिंग बन रहे होते थे, तो उसे वहां जाना पड़ता था और वहां हर कैसे भी कंडीशन में, ऑड कंडीशन में उसको खुद को एडजस्ट करना होता था. सो ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वो हर एक ऑड कंडीशन में जैसे भी उसकी स्थितियां होती थी, कंडीशंस होते थे, उसको वहां पर एडजस्ट करना होता था. वेदर इट वॉज An ill-equipped circuit house or a makeshift. या अगर ill-equipped circuit house, जैसे quarters होते हैं जहाँ कोई भी सुविधा नहीं होती, वैसा कोई quarter मिलता, या फिर makeshift canvas, या फिर tent के नीचे उसे रहना पड़ता, in the middle of a stony quarry, जो पत्थरों के जो रास्ते हैं उसके ऊपर जो हमने makeshift खुद से एक बना के टेंट बनाए जाते हैं, आप जब रास्ते में देखते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसे आपको दिख जाते हैं, तो उसको वहां भी रहना पड़ता था, तो वो रहता था. He was able to adjust in every difficult situation. तो इस काम को करके वो काफी एडजस्टेबल हो गया था और हर डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपने को एडजस्ट करता था. He was a bachelor. उसकी शादी नहीं हुई थी, बैचलर था. His needs were simple, और उसकी जो जरूरतें थी काफी सामान्य थी, काफी कम थी.
He had an experienced cook, Iswaran. उसका एक बहुत ही experienced cook था Iswaran, जिसके बारे में आप जानते हो. He was not only a very well trained and wonderful cook, but also a good storyteller. तो जो Iswaran था वो wonderful cook ही नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा एक storyteller भी था. Life was not possible for Mahindra without Iswaran. Iswaran के बगैर Mahindra की life possible नहीं थी. As he was his asset, क्योंकि वो उसका asset था. And he started living totally isolated. क्योंकि Mahindra जहां तहां हर जगह रहता था तो वह अकेला रहता था. तो Iswaran ही था जो उसका साथी भी था, उसकी देखभाल भी करता था, उसकी घर की देखभाल करता था और उसे बहुत अमेजिंग स्टोरीज सुनाता था. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब ईश्वर ने उसे कोई कहानी नहीं सुनाई हो जो एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस से भरी हो. Whether the story was credible or not, वो स्टोरी क्रेडिबल होती या नहीं, विश्वसनीय होती या नहीं, Mahindra enjoyed listening to it. Mahindra बहुत enjoy करता था कहानियां सुना, because of the inimitable way in which it was told. क्योंकि वो इतने अपनेपन से, इतने inimitable way में बोलता था कि उसको बहुत ही अच्छा लगता था. Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. Mahindra के living quarters में TV की जगह Iswaran ने ले रखी थी. Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Mahindra क्या करता था? खाना उना खा के अपने जो उसका जो canvas chair था वहां stretch करता था और Iswaran की कहानियां सुनता था अनक्रिटिकली. वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो कभी भी कुछ भी वो ऐसे नहीं करता था. वन डे Iswaran टोल्ड हिम अ स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट. एक दिन Iswaran ने उसे फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाई. Mahindra वॉज एन एजुकेटेड पर्सन. Mahindra एक पढ़ा लिखा इंसान था. एंड सो डिड नॉट बिलीव इन Ghost and other supernatural powers. इसीलिए वो विश्वास नहीं करता था supernatural powers में और ghost में. There are no such things as ghosts or spirits. उसने क्या कहा Iswaran को? कैसे कोई चीजें नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते हैं. It is all a figment of your imagination. ये सब तुम्हारी कल्पना के ही figments हैं, टुकड़े हैं, कल्पना से ही उपजे हुए हैं ये सब. He said, but he lacks courage. लेकिन Mahindra खुद में उतनी उसमें हिम्मत नहीं थी. The story made him uneasy. वो जो story उसने बताई थी, उससे वो बहुत ही uneasy feel कर रहा था, उसे डर लग रहा था. He could not sleep the whole night. वो सारी रात सो नहीं पाया. Every night he peered into the darkness outside through the window. हर रात वो क्या करता था? वो अंधेरे में, वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर के अंधेरे में झांक कर कुछ देखने की कोशिश करता था. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. तो वो क्या करता था, कोशिश करता था और मतलब वो चौकन्ना रहता था कि कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है डार्कनेस में उसके एरिया के आसपास. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. वो बहुत ही नेचर लविंग था. तो रात को जब मिल्क व्हाइट लैंडस्केप, जब फुल मून नाइट्स होता था, पूरी पूरी चांदनी जब बिखरी होती थी उसके लैंडस्केप में और वो पूरा मिल्क व्हाइट लगता था लैंडस्केप, तो उसे वो घूमना वहां बहुत अच्छा लगता था. बट आफ्टर हियरिंग Iswaran स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल. लेकिन जब से उसने Iswaran की कहानी सुनी थी, वो खिड़की से बाहर झांकता ही नहीं था, हालांकि उसे फुल मून नाइट्स में मिल्क वेट लैंडस्केप देखना बहुत पसंद था. अब आपने देखा कैसे वो डर के वो भाग भी गया था, उसने विश्वास किया था, उसने एक फिगर देखा था और वो भाग भी गया था. तो इस तरह से Mahindra जो है उसका कैरेक्टराइजेशन आपको लिखना है. नाउ टाइटल नरेशन. द टाइटल इज एप्ट. टाइटल बहुत ही सटीक है एंड इज बेस्ड ऑन द प्रोटेगोनिस्ट Iswaran. Iswaran के ऊपर बेस्ड है. द स्टोरी टेल्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ Iswaran's मैनरिज्म, हैबिट्स एंड हॉबीज. तो जो स्टोरी है वो Iswaran के मैनरिज्म को, उसके हैबिट्स को, हॉबीज को बताती है. नरेशन जो है हाइपरबले है, क्योंकि जब हम Iswaran कहानी सुनाता है तो बहुत ही हाइपरबले है, उसमें इमेजरी है Iswaran के नरेशन स्टाइल में. और द पूरी की पूरी कहानी थर्ड पर्सन नरेशन में है,
The third person narration is in the main story. Language of the story is dramatic. जब ईश्वरन कहानी सुनाता है तो बहुत ही dramatic way में सुनाता है. When ईश्वरन is telling his stories, the entire story narrated in a convincing way. और बहुत ही convincing way story narrate की गई है. The reader is amazed. हम सब बहुत amazed होते हैं and easily transported to the imaginative world. और बहुत ही आसानी से हम ईश्वरन के imaginative world में गुम हो जाते हैं. एंड द रियल डे टू डे वर्ल्ड. और जो फिर जो महिंद्रा की कहानी आती है, आर के लक्ष्मण का जो नरेशन स्टाइल है, उसमें हम गुम हो जाते. तो इस तरह कहानी के अंदर कहानी आपने देखा, स्टोरी विद इन स्टोरी. सो व्हाट हैव यू लर्नड? वी हैव लर्नड द कैरेक्टराइजेशन, वी हैव द टाइटल, नरेशन स्टाइल, लैंग्वेज. सो ये आपके बहुत काम आने वाला है लॉन्ग आंसर में. और जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसमें से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, जब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू ईश्वरन एंड महेंद्रा. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेशन. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस. थैंक यू.